भारत के साथ निर्वासित तिब्बतियों में भी चीन के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। देश के विभिन्न राज्यों में लोग जहां चीन निर्मित सामान के बहिष्कार को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, वहीं निर्वासित तिब्बतियों ने मैक्लोडगंज के मुख्य चौक पर प्रदर्शन कर एक बार फिर से चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया। तिब्बत निर्वासित सरकार के सांसद दावा शेरिंग ने कहा कि निर्वासित तिब्बतियों ने वर्ष 1983 से चीनी सामान के बहिष्कार की मुहिम शुरू की थी, जिसे बाद में तिब्बतियन यूथ कांग्रेस व अन्य संगठनों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जैसे तिब्बत से जो लोग भारत आते थे, उन्हें भी हम धर्मशाला में चीन का सामान न लाने की हिदायत देते थे। चीन के खिलाफ विश्व के कई देश मुखर हुए हैं, ऐसे में निर्वासित तिब्बतियों ने भी चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम सभी को चीन निर्मित सामान का बायकॉट करने के लिए आना होगा, तभी चीन को सबक सिखाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम भारत के साथ खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। ये प्रोटेस्ट इसलिए किया जाता है कि हमने ये जो चाइनीज गुड प्रोडक्ट बॉयकॉट चाइनीज गुड का जो मूवमेंट था वो 1983 से हमारा तिब्बती लोग ने शुरू किया था। इसको फॉलोअप किया था यूथ कांग्रेस, अन्य जो संस्था है उन लोगों ने ऐसा फॉलोअप किया था टिल 2001 तक। जैसा मैं है 1992 से 2001 तक, उस टाइम पर हमने 1992 से 2001 तक हमने 10 मार्च को हर बार हमने चीन का सामान को चला किया, उनका भ्रष्टाचार किया है ऐसा माना। खास करके हमने 1996 को ऐसा मूवमेंट चलाकर करीब 7 लाख का सामान हमके यहाँ चलाया, और तब से हमने कुछ साल के लिए 1996 से कोई 1999 तक तिब्बती के समुदाय में दुकान में कहीं में चीन का सामान टोटली बंद हो गया। वैसे उस टाइम पर तिब्बत से लोग आता था, उन लोगों तिब्बत से सामान ले आता, फिर भी उन लोग बोलता है कि धर्मशाला में सामान नहीं ले जाना, चीन का सामान नहीं ले जाना, ये उधर नहीं चल सकता है। ऐसे हमने पूरा धर्मशाला में चीन का, लेकिन उसको कंटिन्यू नहीं हुआ था। तो अभी इसलिए हमने इस मूवमेंट को इसलिए चलाया कि इस बात अमेरिका जैसे खास करके भारत के लोगों और भारत गवर्नमेंट ये चाइनीज बॉयकॉट मूवमेंट चला रहा था, उसके साथ हम भी साथ है, ये हम दिखाना चाहता है और हमारे लोगों को बोल रहा है कि दुनिया लोग भारत लोग अगर ऐसा मूवमेंट कर रहा है तो हम भी जागो, हमारा देश चीन ने कब्जा किया है, हमारा देश अभी भी आज़ाद नहीं है, तो सभी लोग खड़ा जाओ, इस मूवमेंट में जोड़ो, इसको मकसद है, ये हमारा मकसद है।